तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्केलेटल, विश्राम को लो, योग निद्रा करो, नींद की दवा खाओ नहीं। डिप्रेशन दूर करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसमें भी सेडेशन होता है, वो खाओ सो जाओ। आंख बंद रखो, कुछ दिखेगा ही नहीं तो तनाव नहीं होगा। तो कोई लोग तो सेडेटिव खाते हैं और कोई लोग शराब पी लेते हैं। शराब में बेहोशी आएगी, बेहोशी में फिर बाहर क्या गड़बड़ है वो दिखता नहीं है। ज्यादा तनाव हो जाए और तनाव के कारण नींद ना आए तो भी शराब पी लेता है कि शराब पी करके अपने आप से बेहोशी आएगी तो नींद आ जाएगी। अजब है इंसान, शरीर को मारने के सब उपाय करता है। और मंदिर में जाके हनुमान जी को भी कहता, हनुमान जी मेरी जिंदगी अच्छी चले। कैसे चले अच्छी? डू नॉट यूज सेडेटिव्स अनटिल एंड अनलेस इट इज एन एमरजेंसी, बहुत जोर से एमरजेंसी। अब जिसने साधना नहीं करी, रोज योग निद्रा नहीं करी, उस आदमी के लिए जिंदगी में तो जरूर कोई ना कोई ऐसी एमरजेंसी आ ही जाएगी और वो आदमी तैयार नहीं होगा तो उसको झेल नहीं पाएगा, तो फिर दवाएं खानी पड़ेंगी। तो दवा से अच्छा तो ध्यान है, तो ध्यान पर ध्यान दीजिए। रजोगुण चंचलता देगा, तमोगुण आलस्य देगा, नींद देगा। तमोगुण कब बढ़ता है? जब रजोगुण और सतोगुण दबता है। सतोगुण कब ए तमोगुण कब बढ़ता है? जब रजो और सतोगुण दबता है। और रजोगुण कब बढ़ता है? जब सतोगुण और तमोगुण को दबा लेते हैं। तो अब ये खेल में तुमको बहुत दक्ष होना चाहिए कि समय क्या चाहिए आप उस गुण का उपयोग कर सको। गुणों का उपयोग करने वाला गुणों का गुलाम नहीं होगा, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। मान लीजिए आप ध्यान करना चाहते हैं, आप बैठे पर नींद आ रही, क्या करो? नींद के जाल में मत फंसो, तुरंत कुछ देर के लिए सक्रिय श्वास को कर लो, नहीं तो उठ के दौड़ लो, भाग लो। एसी कूलर चल रहा है उसे बंद कर दो, क्योंकि वो कंफर्टेबल कर रहा है ना शरीर को, तो थोड़ा डिसकंफर्ट दो। गर्मी में बैठ जाओ, आंख खोल लो, ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण करो। और नहीं तो उस दिन बैठ करके निष्क्रिय ध्यान नहीं, उस दिन नृत्य ध्यान करे, खूब उछले कूदे बच्चे की तरह। कभी किया तुमने ऐसा? नेवर। सारा टाइम ना मूछे ऊंची करके अकड़े अकड़े बैठे रहते, तो अभी ढीले नहीं होते। आज रात्रि से नृत्य ध्यान होगा, उसमें अपने आप को इस एक्सपेरिमेंट में डालिएगा। शरीर ढीला छोड़िए एंड लेट द बॉडी मूव। आंख बंद है, बाहर सब अंधेरा है, कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, तो जितनी बेवकूफाना हरकत हो कि बच्चों की तरह उछले कूदे, तुम्हारी कोई फोटो नहीं ले रहा और तुम्हारी शक्ल ऐसी, माफ करना है भी नहीं कि तुम्हारी कोई फोटो खींचेगा। और उस समय वीडियो कैमरा भी ऑन नहीं होते कि तुम्हें इस बात की फिक्र हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा शरीर जैसा भी है सुंदर है, तो नेवर बी कॉन्शियस। दूसरों को तुम सुंदर नहीं दिखते हो तो ये उनकी नजर का धोखा है। हम तो अच्छे हैं, हम तो सुंदर हैं, क्योंकि हम ईश्वर के हैं। और ईश्वर की रचना में कुछ भी करूप नहीं है, कुरूप कुछ भी नहीं, बदसूरत कुछ भी नहीं। जस्ट लेटिंग गो ऑफ। और नृत्य ध्यान में खूब उछल कूद करते हुए, खूब नृत्य करते हुए, एकदम बेझिझक लेट गो ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड रेस्ट्रेंट्स। आश्रम में इतना बड़ा मैदान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां मर्जी उल्टबाजियां खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरो पड़ो, घास पे गिरने से चोट भी नहीं लगेगी। और शरीर ढीला छोड़ा हो और तुम गिर जाओ तो निश्चित चोट नहीं लगती। चोट तब लगती है जब तुम शरीर को कड़ा कर लेते हो। तो अगर गिरने जैसा हो रहा है तो गिर जाओ। तुम देखो बच्चे दिन में कितने बार गिरते हैं, हड्डी टूटती।
और तुम कुर्सी में बैठे बैठे जरा सा हिले, हो गया। बोले मांस फट गया। क्या हुआ? बोले हिले थे। तो शरीर को हिलाते रहना चाहिए। हमें सत्व गुण बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा वो पता हो। हमें नींद में जाना है तो कैसे नींद में जा सकते हैं। तो प्रमाद की भी एक यूटिलिटी है, रजोगुण की भी एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। पर रजोगुण तब इस्तेमाल हो जब चाहिए, ऐसे ही दूसरे गुणों का उपयोग कब करना है ये चाहिए। तो गुणों को मैनेज करना आना चाहिए। अभी क्या है, तमोगुण आया, सोया हुआ, अलसाया हुआ, मुंह खुला, मक्खी अंदर जा रही बाहर आ रही, कुछ नहीं पता उसको। और दूसरे कहते अरे क्या है, सीधे होके बैठो, मुंह बंद करो, सो थोड़ी रहा था। गुणों को मैनेज करना आना चाहिए। और जिसको रजोतमो सतोगुण मैनेज करने नहीं आते हैं, वो मनुष्य तो माया की जकड़ में बड़े जोर से फंसे हुए हैं। और साधक जिसने ये समझ लिया कि गुणों को मैनेज कैसे करना है, वो इसी जीवन को, इसी रजतम सत को अपने हित और लाभ में इस्तेमाल करता है। चाकू को बेध्यानी से इस्तेमाल करो तो तुम अपनी उंगली काट सकते हो। अच्छा, उंगली कट जाए तो चाकू को क्या रसोई से बाहर फेंक दोगे? नहीं, अगले बार चाकू को ध्यान से इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही तमोगुण बुरा नहीं है, रजोगुण बुरा नहीं है, लेकिन कब इस्तेमाल हो, कितना इस्तेमाल हो और कैसे इस्तेमाल करना, ये अकल होनी चाहिए। तो जिंदगी खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से जीना चाहिए। और अपने आप को बड़ी होश से अगर जियोगे तो कहीं जा करके इस माया के प्रभाव से धीरे 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 बाहर निकल पाओगे। अन्यथा माया महाठगनी है, आज तलक तुमको ठग रखा है और कल भी ठगेगी अगर होश में ना आए तो। तो एक बार फिर से कबीर जी ने जो ये इतनी खूबसूरत बात कही है, एक बार से पुनः उनका स्मरण करते हैं। Thank you.
महा ठगनी हम जानी Okay.
जैसे बात गहरी हो रही है वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि को समझने में भी परेशानी हो रही है, पर जानना तुमको फिलहाल इतना ही है कि जो तुम समझते हो कि तुम बहुत कुछ जानते हो वो अभी कुछ भी नहीं जानते हो। और 15वें अध्याय के विशिष्टता ये है कि इसमें एक ऐसी अद्भुत बात कही गई है जो लॉजिकली समझने में बहुत दिक्कत होगी। एंड सम थिंग्स आर बियॉन्ड लॉजिक्स, ह्यूमन लॉजिक इजंट ग्रेटर देन ह्यूमन हिमसेल्फ, एंड द एग्जिस्टेंस इज फार फार ग्रेटर देन व्हाट यू थिंक और यू एंटिसिपेट। आप कितना ही अपने आप को अकलमंद समझें, कितना ही आप अपने आप को समझदार समझें, गीता रोज रोज हर हर श्लोक के साथ इस बात को साबित करती जा रही है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी और यह प्रकृति भी बड़ी विशाल है और ब्रह्म तो अनंत है ही। प्रकृति भी अनादि है और ब्रह्म तो आदि अनंत है ही। और जो ये समझता है कि मैं प्रकृति को जानता हूं वो ये नहीं जानता है कि वो ये नहीं जानता है। और जो ये समझते हैं कि वो ब्रह्म को जान चुके हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया है, तो वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो ये नहीं जानते। देखिए कृष्ण ने कहा था सब पश्यति पश्यति, और मैं इसके विपरीत बात कह रही हूं, जो नहीं देखता है वो नहीं देखता। कृष्ण ने कहा था जो ऐसा देखता है वही देखता, जो स्वयं को दृष्टा जानता है वही देखता है। मैं ये कह रही हूं जो दृष्टा स्वयं को नहीं देखता है वो कुछ भी नहीं देखता। गीता ऐसे रहस्यों की चर्चा कर रही है जिन रहस्यों को आज तक न तुमने सुना था न कभी सोचा था, तो उसके विषय में तुम विचार भी क्या करते। ये तुम्हारी असमर्थता थी और बुद्धि बहुत छोटी है, इस विशाल विशाल जगत को जानने के लिए ये बुद्धि बनी ही नहीं। इट इज नॉट बीन क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन, व्हाट टू से अबाउट द क्रिएटर।
मैं उस दिन चर्चा कर रही थी कि रोशनी 186,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और नज़दीक से नज़दीक तारे की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। आप किसी भी साफ रात को जब आसमान देखते हैं तो तुम्हें सिर्फ 3,000 तारे औसतन दिखते हैं। तुम्हें वो बहुत सारे लग रहे हैं पर वो 3,000 से अधिक नहीं होते। और ये सब तारे जो तुम देख पा रहे हो ये धरती के करीब हैं। अच्छा, कितने करीब हैं? एक्चुअली दे आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, लेकिन मैं इनको नजदीक कह रही हूं। आप उतने ही तारे देख रहे हैं जो इस पृथ्वी के आसपास के स्पेस में हैं। और ये धरती हमारी इस आकाश गंगा में एक बहुत छोटा सा ग्रह है। और इस आकाश गंगा में हजारों हजारों तारे हैं। और अगर एक अनुमान जो लगाने की कोशिश की गई कि यह हमारा विश्व कितना बड़ा है, तो ये अनुपात किलोमीटर्स में नहीं है। ये जो मैं फिगर बोलने जा रही हूँ, दिस इज इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का अर्थ है कि रोशनी अगर 1 मिनट में 186,000 किलोमीटर चलती है, तो इसी रोशनी से, इस स्पीड से रोशनी चले तो 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, तो ये 1 लाइट ईयर हुआ। अब कैलकुलेशन देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। हमने सिर्फ प्रति मिनट की बात की है। इन 1 मिनट लाइट ट्रेवल्स दिस फार। विश्व का स्पैन 47 बिलियन लाइट ईयर्स का है। लाइट ईयर्स 47 बिलियन लाइट ईयर्स, ये विश्व इतना लंबा चौड़ा है। तो एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपनी इस एक आकाश गंगा को भी नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। और ये जो अंतरिक्ष में इस समय कुछ एक टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप छोड़ रखा है, वहां से चित्र आते हैं तो पता लग रहा है पिछले 1 वर्ष में 218 नए ग्रह ढूंढे गए हैं अपनी इसी आकाश गंगा में। आज से पहले उनके होने का भी पता नहीं था। और अभी उनके बारे में सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, उनकी डिटेल्स नहीं है। आज भी मंगल ग्रह के विषय में कोई डिटेल नहीं। अब पहली बार वैज्ञानिकों ने अपना पहला रिमोट कंट्रोल से बनाया हुआ, रोबोट के द्वारा ऑपरेटेड पहला एक संयंत्र मंगल ग्रह पे अब उतारा है। अब जाके उतारा है, समझेंगे कब। पृथ्वी को ही वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं तो इतने दूर ग्रहों को क्या समझेंगे। और ये जो मंगल और बृहस्पति इत्यादि ग्रह जो तुम्हें दूर लग रहे हैं, अगर हम 47 बिलियन लाइट ईयर्स के हिसाब से चलें तो ये सब बड़े नजदीक हैं। फिर प्रकृति बहुत बड़ी है और इस अनंत प्रकृति का जो आधार अधिष्ठान ब्रह्म है, जो आंख से देखने को, कान से सुनने को न मिलेगा, हाथ से छूने को न मिलेगा, उसको जानने समझने में तुम्हारी बुद्धि कहां सक्षम हुई। जिस व्यक्त विजिबल संसार को आज तक इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया, तो उसको कैसे समझेगा जो दिखता भी नहीं, जिसका कोई आकार भी नहीं, जो सिर्फ एनर्जी है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एनर्जी और मैटर तो आपस में बदलते रहते हैं। एनर्जी जब सॉलिड फॉर्म में होती तो मैटर कहते हैं, मैटर ही जब अपने वाष्पीय रूप में होता है और सूक्ष्म रूप में होता है तो हम उसी को ऊर्जा कह देते हैं। तो पदार्थ और ऊर्जा तो मिलती जुलती चीजें हैं, 2 डिफरेंट स्टेजेस हैं। ईश्वर को तुम एनर्जी नहीं कह सकते हो। बहुत लोग आजकल नया एक टर्म ढूंढ लिया है, दे डोंट से गॉड, दे से दी कॉस्मिक एनर्जी।